प्रोग्राम पे मैं आपके साथ सेना निशोक की अपडेट की बात करें तो चित्तौड़ से हमारे रिपोर्टर संजय काव्या हमें जानकारी दे रहे हैं। दरअसल चित्तौड़गढ़ जिला पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय गैंगस्टर तथा धोलू गैंग के सरगना को एक पिस्तौल व देशी कट्टे के साथ गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है, जहां गैंगस्टर के खिलाफ धमका कर फिरौती मांगने तथा जाने में हमला करने के लिए कई प्रकरण दर्ज है। वर्तमान में भी इसने किसी व्यक्ति को जान से मारने को लेकर फिरौती ली हुई है और फिलहाल चित्तौड़गढ़ पुलिस जांच में जुटी हुई है। यह आरोपित चित्तौड़गढ़ तथा मध्य प्रदेश से मादक पदार्थ एवं हथियारों की तस्करी में लिप्त है। जी हां, इससे पूछताछ के बाद श्रीगंगानगर में भी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मादक पदार्थ तथा अवैध हथियार पकड़े हैं। वहीं पुलिस इससे पूछताछ में जुटी हुई है। चित्तौड़गढ़ पुलिस अधीक्षक प्रीति जैन ने शुक्रवार शाम को पत्रकार वार्ता में इसका खुलासा किया, जो कि आप खुद सुनिए। प्रतापनगर क्षेत्र में घटना घटित हुई और उसमें जो हमारे संदिग्ध आरोपी थे उससे उसके ढूंढ का DFSR में मिलान हो चुका है, रिपोर्ट में प्राप्त हो चुकी है, तदनुसार आगे विधिक कार्रवाई की जाएगी। ये जानकारी हमारे रिपोर्टर चित्तौड़गढ़ से संजय खाबिया में दे रहे थे। लगातार हर छोटी से बड़ी अपडेट्स के लिए बने हमारे साथ वॉइस ऑफ इंडिया टीवी और वॉइस ऑफ एमपी पर। जय हिंद, जय भारत।